प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में हैं किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम एश्योर करने का काम करें। हरियाणा के विपक्षी दलों के नेता चाहे रणदीप सुरजेवाला है, भूपेंद्र हुड्डा है, शैलजा है, वो ये कह रहे हैं कि कृषि प्यारी है दुष्यंत चौटाला को या किसान प्यारा है, ये स्पष्ट करें, चूंकि गठबंधन के भरोसे तो सरकार चल रही है। पहली स्थिति आज किसान को उसकी फसल दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी के तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊं मैं यहां बैठा, जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करें। अगर आज भी किसी के कंफ्यूजन है तो वो 7.5 लाख एमटी हमने बाजरा प्रिक्योर किया है, सर्वे हुआ है 55,000 एमटी और बाजरा किसानों के पास, अभी अलग अलग जिलों से डीसीज ने लिखित में हमें भेजा है, उसको भी हमने कल क्लीयरेंस दे दी कि हम प्रिक्योर करेंगे जी। आज इतिहास के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में कभी बाजरे की प्रिक्योरमेंट नहीं हुई, स्टेट की बाजरे की कंजम्पशन 75,000 एमटी, फिर भी हमारी एजेंसी ने चाहे बाजरा हो, नरमा हो, दाल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, चावल को छोड़ के ये सारी चीजें भी प्रिक्योर करने का काम किया है। और आगे भी जो हमारी अब फसलें आएंगी इसमें सरसों और वीट तो बड़े स्केल पे प्रिक्योर होती है, मगर छोटे स्केल पे जो फार्मिंग करी जाती है उन फसलों को भी हम प्रायोरिटी पे परचेज करेंगे। विपक्षी नेताओं को क्या कहेंगे सर, जो लगातार आपको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं या इसका मतलब तो उन सबको चिंता सबसे ज्यादा मेरी है। और मैं ये चीज पहले दिन से कहती हूँ कि अगर मैं एमएसपी दिलवा सकता हूँ, फार्मर को अश्योर कर सकता हूँ, तभी मैं यहाँ हूँ। चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे, किसान की बात सरकार तभी सुनती है जब किसान की हिस्सेदारी सरकार में, और आज उनकी बात रखना चाहे वो केंद्र सरकार से रेगुलरली इन टच होने की बात है, हमारी पार्टी हम भी कर रहे हैं, सरकार मिलकर प्रदेश की तरफ से भी सुझाव केंद्र को निरंतर दे रही है और उम्मीद करते हैं कि ये स्टैंड लॉक जो है जल्द से जल्द समाप्त। आखिर जिस तरह से केंद्र की ओर से लगातार अमेंडमेंट्स भी की गई हैं और लगातार वार्ता भी की गई है, क्या समझते हैं लगातार मेरे समझने से आज फैसले निर्णय हम सुझाव दे सकते हैं। हमारी ओर से भी टेलीफोनिकली तीनों मंत्री जो कमेटी में थे उनसे भी मेरी चर्चा हुई है और भी नेताओं से चर्चा हुई है जो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, हमने अपनी ओर से भी सुझाव दिए हैं, फार्मिंग यूनियंस के जो लोग बैठे हैं उनने भी अपनी ओर से सुझाव दिए हैं, केंद्र ने भी बारी बारी बुलाकर उनसे चर्चा करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द फार्मर जिस बात को समझेंगे, जो उनके बेनिफिट की चीजें हैं उनको रिटर्न में अगर केंद्र सरकार देने को तैयार है तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष की जीत होगी। दुष्यंत जी, आप खुद किसान नेता हैं, किसान परिवार से आप आते हैं, आप बार बार आप लोग कहते हैं, तो जो किसान आवाज उठा रहे हैं इस कानून को लेकर, क्या आपको भी लगता है कि जो आवाज है वो उठा रहे हैं, जो बदलाव की वो उम्मीद कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं वाकई में वो? सबसे बड़ी मांग और सबसे पहली मांग इस पूरे मूवमेंट की ये थी कि इसके अंदर चौथी चीज ऐड करी जाए जो एमएसपी की। प्रदेश में हमने इसको अशोर किया, राजस्थान में तो अशोर नहीं हुआ, आज बाजरा सड़कों पे बिका, पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब के तो मुख्यमंत्री ने किसान को प्रताड़ित किया, ना वहां खाद पहुंच पाई ना वहां पर बीज पहुंच पाए। आज पंजाब का किसान इसलिए भी अग्रेसिव है कि पंजाब की सरकार ने प्लान्ड तरीके से जो सोइंग सीजन था, प्रोक्योरमेंट सीजन था, इसके अंदर फार्मर को प्रताड़ित किया। हरियाणा के अंदर तो हमने वो व्यवस्था बनाई और बेहतरीन तरीके से बनाई, आगे भी आप देखेंगे गेहूं की जब खरीद होगी तो और बेहतर तरीके से उसको हम करेंगे। एमएसपी की जहां बात थी, मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले इस पूरी मूवमेंट के अंदर ये कहा था कि केंद्र उसको अश्योर करे, और केंद्र ने बड़ी खुशी की बात है कि कल रिटर्न में दिया है,